गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. द न्यू स्कीम कॉल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ इन लाइन विथ वन नेशन वन स्कीम थिंग. इट इनकॉर्पोरेट्स द बेस्ट फीचर ऑफ ऑल द प्रीवियस स्कीम्स एंड एट द सेम टाइम ऑल द प्रीवियस शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस हैव बीन रिमूव्ड. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana will replace the existing two scheme called National Agriculture Insurance Scheme as well as Modified National Insurance Scheme. ये जो नई योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस की जो मेन थीम है वन नेशन वन स्कीम उसी पे बेस्ड है. इसमें जितनी भी एग्जिस्टिंग जितनी भी पुरानी हमारे पास स्कीम्स थी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स थी, उनके बेस्ट फीचर्स को हमने इनकॉर्पोरेट किया है और जो भी शॉर्टकमिंग्स और वीकनेसेस थी उसको कंसिडर करके ही ये न्यू स्कीम हमने लॉन्च की है. दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टू स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एज वेल एज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. जो भी एग्जिस्टिंग दो स्कीम थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उन दोनों को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने रिप्लेस कर दिया है. तो पहले क्या था, पहले देखो एक कैप थी, प्रीमियम रेट पे कैप बनी हुई थी कि इतना प्रीमियम आपको मिलेगा. उससे क्या होता था कि क्लेम जो था वो बहुत लो रहता था. बट अभी क्या हो गया है, अभी क्लेम जो है वो फिक्स हो गया. 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स, 1.5% फॉर रबी क्रॉप्स. ये वन क्रॉप वन रेट पे बेस्ड है. 5% प्रीमियम फॉर एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप. नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी इवन इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 90%, इट विल बी बॉर्न बाय गवर्नमेंट. व्हाट्स न्यू, व्हाट इज न्यू इन दिस स्कीम, द कैप हैज बीन रिमूव. नाउ द फार्मर विल गेट क्लेम अगेंस्ट फुल सम इंश्योर विदाउट एनी डिडक्शन. टेक्नोलॉजी टू बी यूज इज इंटेंसिव. So now let's continue our discussion. What are the objective of this scheme? The first is to provide insurance coverage and financial support to the farmers in event of failure of any kind of notified crops as a result of natural calamities, pest and disease. ये basically insurance coverage और financial support provide करना चाहता है, provide करेंगे किसको, farmers को. कब, जब उनकी जो भी नोटिफाई क्रॉप है वो फेल हो जाए. कब फेल हो जाए, या तो नेचुरल कैलामिटीज हो जाए, या पेस्ट से हो जाए, या कोई डिजीज़ से हो जाए. सो इट विल प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू होम, टू फार्मर्स इन इवेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट और डिजीज. सेकेंड इज टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर कंटिन्यूस इन फार्मिंग. जो इनकम है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना. To encourage farmers to adapt innovative and modern agricultural practices, farmers को encourage करना नई modern technology, जो भी agriculture की नई technology है उसको practice करने के लिए. To ensure flow of credit to agriculture sector. What are the highlights of this scheme? The first is, there will be uniform premium of only 2% to be paid by farmers for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops. ये यूनिफॉर्म प्रीमियम इसमें डिसाइड हो गया. इसमें जो भी खरीफ क्रॉप है उसके ऊपर हमें 2% की रेट से प्रीमियम पे करना है और रबी क्रॉप से 1.5% से. इन केस ऑफ एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, द प्रीमियम टू बी पेड बाय फार्मर्स विल बी 5%. और जो भी कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उस पर जो प्रीमियम है वो 5% की रेट से फिक्स्ड है. ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑब्वियसली. The premium rate to be paid by farmers are very low and balance premium will be paid by government to provide full insured amount to the farmers against crop loss on account of natural calamities. There is no upper limit on government subsidy. Even if the balance premium is 90%, it will be paid by government. इस स्कीम में कोई भी अपर लिमिट नहीं है गवर्नमेंट सब्सिडीज की. अगर जो प्रीमियम का अमाउंट 90% है तो वो भी गवर्नमेंट को ही बॉन्ड करना है. इट विल बी एंटायरली बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट. द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी एंकरेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट
Smartphones will be used to capture and upload data of crop cutting to reduce the delay in claim payment to the farmers. Remote sensing will be used to reduce the number of crop cutting experiments. इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, जो भी स्मार्टफोन्स है उनका यूज़ इसमें होगा, और जो भी फार्मर्स को जो भी डेली बेसिस पे जो भी कंटिन्यूस गाइडलाइंस उससे स्मार्टफोन्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी. द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग स्कीम NAIS एंड MNAIS. देयर विल बी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्विस टैक्स लायबिलिटीज ऑफ ऑल services involved in implementation of scheme. It is estimated that new scheme will ensure 75-80% of subsidies for farmers in insured premium. Now let's talk about farmers to be covered. All farmers growing notified crops in notified area during the season will be insurable. Interest in crops are eligible. जो भी फार्मर्स नोटिफाई एरिया में नोटिफाई क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो एलिजिबल है. टू एड्रेस द डिमांड ऑफ फार्मर्स द स्कीम हैज़ बीन मेड वॉलंटरी फॉर ऑल द फार्मर्स फ्रॉम खरीफ टू 2020. फार्मर्स की डिमांड को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम वॉलंटरी कर दी गई है सभी फार्मर्स के लिए फॉर खरीफ क्रॉप्स बाय 2020. Earlier to Kharif 2020, the enrollment under the scheme was made compulsory for following categories of farmer. इससे पहले ये following categories है farmer की, इनके लिए ये compulsory था, ये scheme में enrolled करना compulsory था. क्या था? Farmers in notified area who possess a crop loan account or KCC account to whom credit limit is sectioned renewed for notified crop during the crop season. Another such farmers whom government may decide to include from time to time. But अभी by 2020 ये खरीफ के लिए voluntary nature का हो गया है. Voluntary coverage may be obtained by all the farmers not covered above, including crop KCC, crop loan account holder whose credit limit is not renewed. This covered under this scheme. So इस स्कीम में हर कोई भी, अभी कोई भी इसमें कवर्ड हो सकता है. इसमें ये वॉलेंट्री नेचर का हो चुका है. तो एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड कैन गेट एनरोल इन दिस स्कीम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल टॉक मोर अबाउट दिस इन अपकमिंग वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.